नमस्कार दोस्तों, आज मैं निराला आपको लेकर चल रहा हूँ लखनऊ में स्थित भूल भुलैया की सैर पर। जी हाँ, जब हम छोटे होते हैं तो हर किसी ने भूल भुलैया के बारे में अपने दादा दादी अपने नाना नानी से उसके विषय में कुछ न कुछ कहानियाँ ज़रूर सुनी होती हैं, और आज मैं आपको दिखाऊंगा भूल भुलैया की असलियत और उससे जुड़े हुए छोटे छोटे किस्सों के बारे में। लखनऊ की भूल भुलैया पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जानी जाती है। भूल भुलैया असल में एक ऐसी जगह होती है जिसमें कि सैकड़ों रास्ते और सुरंगें होती हैं, जिसमें कोई भी आदमी आसानी से भ्रमित हो सकता है। ऐसी ही भूल भुलैया लखनऊ के चौथे नवाब आसफ़-उद-दौला ने अकालग्रस्त अवध की प्रजा को रोजगार देने के मकसद से बनवाया था। और जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये इमामबाड़ा कोई मस्जिद या दरगाह नहीं है, बल्कि ये एक पवित्र हॉल है जहां पर शिया मुस्लिम संप्रदाय के लोग मुहर्रम के दिन इकट्ठे होकर शोक मनाते हैं। अभी मैं वीडियो में आप देखेंगे जो रूमी दरवाज़ा आपको दिख रहा है, लखनऊ मेट्रो के लोगो का डिज़ाइन इसी से लिया गया है। देखने में खूबसूरत दिखता है ये। यह है भूल भुलैया का मेन एंट्रेंस गेट। यहाँ पे जो है टिकट काउंटर है। अंदर हालांकि फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना मना है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर से आपको इसका नज़ारा दिखा सकूँ। भूल भुलैया पहले तो यहाँ पर गाइड हायर करना कंपलसरी हुआ करता था, लेकिन इस बार मैं आया हूँ तो यहाँ पर फिलहाल इन लोगों ने रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है। यहाँ पर एक से एक रास्ते बने हुए हैं। नवाब आसफ़-उद-दौला बड़े दरिया दिल इंसान थे। उनके बारे में कहावत थी कि जिसको न दे मौला उसको दे आसफ़-उद-दौला। जब लखनऊ में भयंकर अकाल पड़ा था उस समय अवध की प्रजा पूरी दाने दाने को मोहताज हुआ करती थी, तो लोग मदद मांगने के लिए नवाब के पास गए। तब नवाब साहब ने अपने वजीरों को सलाह दी गई कि जो खजाने में जमा राशि है वो गरीबों में बांट दें, मगर नवाब साहब का मानना था कि खैरात में धन क्या नजारा है, कितना व्यवस्थित बनाया गया हुआ है, दिल खुश हो जाता है ऐसे नजारे देख। ऊपर जाने का रास्ता है। ओहो, कहाँ वक्त लगी
भूल भुलैया बनाना बड़े इमामबाड़े के निर्माण के दौरान उस समय के आर्किटेक्ट के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि नवाब साहब ये चाहते थे कि इमामबाड़े का जो मुख्य कक्ष हो वो काफ़ी बड़ा हो, जिसमें बिना किसी पिलर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर सकें। अब चुनौती ये थी कि बिना पिलर के भारी भरकम छत कैसी इमारत का वजन और गुंबद का वजन झेल पाएगी। कई हफ्तों तक विचार करने के बाद फैसला लिया गया कि छत को खोखला बनाया जाए, जिससे छत का आधा वजन कम हो जाएगा और इमारत की दीवारें बिना किसी सहारे के झेल जाएंगी। तब जाकर छत पर सैकड़ों दरवाजे बनाए गए जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। तब जाकर इसको नाम दिया गया भूल भुलैया। सामने जो मस्जिद दिखाई दे रही है आपको, ये ऐसी मस्जिद है जहाँ पहले जुमा की नमाज अदा की जाती थी। यहाँ से आपको दूर से ही रूमी दरवाजा भी दिखाई दे रहा होगा। वो भुलैया का मेन प्रवेश द्वार यहीं से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आकर एक बात का कष्ट होता है कि यहाँ पर कई सारे दीवानों ने यहाँ की दीवारों पर अपनी आशिकी लिख दी है, जिसको देखकर कभी कभी गुस्सा भी आता है। मगर क्या करें, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ दीवानों को कोई और काम नहीं है, केवल हमारे देश की जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उन पर आशिकी लिखने के सिवाय। ये देखिए उस जमाने का गेट है, ये जो आज भी सुरक्षित है। ये देखिए इस इमारत को बनाने में शहद का भी इस्तेमाल किया गया हुआ है। काफी अंधेरा है यहाँ पर, थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा। यहाँ पर चमगादड़ वगैरह भी उड़ते रहते हैं और ऊंच खार काफ़ी है। ज़्यादातर तो खिड़कियाँ दरवाजे सारे रास्ते बंद हैं। इसको भूल भुलैया नाम ऐसे ही नहीं दिया गया। इमामबाड़े के परिसर में एक शाहबौली भी मौजूद है। शाहबौली का वैसे तो मेन उद्देश्य पानी को स्टोर करना था, लेकिन बावली नवाब साहब के लिए एक सीसीटीवी की तरह काम करता था। जब बावली के एंट्रेंस पर कोई भी आदमी खड़ा होता था तो उसकी इमेज उस बावली में दिखाई देती थी, जिससे राजा को पता चल जाता था कि कौन व्यक्ति मुख्य दरवाजे पर खड़ा है। यह है बावली। बावली का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पानी स्टोर करने के लिए हुआ करता था उस जमाने में। यहाँ पे पानी स्टोर किया जाता था ताकि गर्मी के दिनों में जब पानी की कमी होती थी तो उससे पूरे
राज्य में जो है पानी की सप्लाई पीने के लिए। कहा यह भी जाता है कि नवाब साहब ने अपने खजाने की चाबी इस बावली में फेंक दी थी, और बावली के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इस बावली का एक गुप्त दरवाज़ा है जो सीधे गोमती नदी में जाके खुलता था, और वो चाबी आज तक किसी को नहीं मिल पाई है। यह हस्सी मस्जिद जहाँ पर पुराने ज़माने में शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा की जाती थी, आज ही एक सांस्कृतिक धरोहर है।